हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1 इन सिविक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन इक्वलिटी। डिस्कस कर रहे थे हम लोग इक्वलिटी के बारे में, जहां समानता मींस आप समझते ही हैं कि सभी समान हो, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, या सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाना। इस चैप्टर को पिछले टर्म पे मैंने आपका स्टार्ट किया था और आज कंटिन्यू ले चलता हूँ आपको इस चैप्टर में। पिछले टर्म में मैंने आपको डिस्कस किया था, कांता की स्टोरी मैंने बताई थी और कांता बड़ी खुश थी जब उसके साथ लाइन में उसके खुद ओनर खड़े थे यानी मिस्टर जैन जी। ये सब मैं आपको डिस्कस किया था और वहाँ मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाया, इक्वल राइट टू वोट, यानी सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाना। आप देख रहे थे चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी एक लाइन में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वोट डाल रहे थे। लेकिन कांता के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि कांता अपने सोचने लगी, क्या वास्तव में यहाँ इंडिया में इक्वलिटी है या नहीं। वोटिंग तो हम जरूर साथ में देते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन की लाइन हो, अस्पताल की लाइन हो, या कोई भी वैसा प्लेस हो, तो वहाँ क्या होता है, VIP को अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, हम गरीबों को अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है। क्या वास्तव में इक्वलिटी इंडिया में है कि नहीं है, इसी टॉपिक को मैंने आगे बढ़ाया। और इसी में मैंने कास्ट सिस्टम को लेकर बताया कि वो इक्वलिटी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। उसमें मैंने आपका एग्जांपल लिया, एक स्टोरी लिया वाल्मीकि का और उनका पूरा स्टोरी बताया। जब फादर ने उन्हें काम करते हुए देखा तो वो फादर आके टीचर से सवाल जवाब किए, ये पिछले टर्म पर मैं आपको डिस्कस किया। आज ले चलते हैं कंटिन्यू उस लेक्चर को और ले चलते हैं उसके सेकंड, मैंने बताया था आपको मैं सेकंड स्टोरी डिस्कस करूंगा। आज सेकंड स्टोरी डिस्कस करते हैं और वो स्टोरी है एक परिवार की, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी जी की, जिनको चाहिए एक रूम रेंट पर। और वो रूम रेंट पे लेने के लिए निकलते हैं और जाके मिलते हैं एक ब्रोकर से, एक जो होते हैं ना रूम वूम दिलाते हैं, उनसे जाके मिलते हैं ब्रोकर से और उनसे कहते हैं, सर मुझे एक रूम चाहिए जहाँ हम दोनों मिसेज अंसारी जी लोग रहेंगे। वो कहता है, ठीक है, मेरे नज़र में तो कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ आपको रूम रेंट पे मिल सकता है, आप चलिए बात करते हैं उनसे। तो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी उस ब्रोकर के साथ पहुँचते हैं ओनर के पास और उसे रूम मांगते हैं। वो कहता है, हाँ रूम तो खाली है, लेकिन आपका नाम क्या है? ये कहते हैं, मेरा नाम मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, अपना नाम परिचय बताते हैं, मैं अंसारी हूँ यानी माउंटेन हूँ, मुसलमान हूँ। ओनर जी कहते हैं कि सर, और हम आपको वो नहीं दे सकते हैं, रूम नहीं दे सकते रेंट पे, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग है या हमारी जो एरिया है, यहाँ पे कोई मीट खाने वाला इंसान नहीं रहता, इसलिए हम आप लोग को रूम नहीं दे सकते। मिस्टर अंसारी को बहुत झटका लगता है, उन्होंने कहा, बताइए रिलीजन को लेकर इतना बड़ा विभेद, धर्म के नाम पर इतना बड़ा विभेद, जबकि इंडिया में इतनी इक्वलिटी है, इसके बावजूद रिलीजन को लेकर इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं। वो जो ब्रोकर होता है वो इन दोनों को लेकर कई सारे अपार्टमेंट में जाता है, उस एरिया के कई सारे अपार्टमेंट में जाता है और सारे अपार्टमेंट में यही बात होती है कि भैया हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम मीट मछली वाले यानी हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, सॉरी हम लोग वेजिटेरियंस हैं और हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे। मिस्टर इनका जो बड़ा दुख होता है, बोलते हैं, बताइए रिलीजन के नाम पे इतना बड़ा विभेद है, क्या प्रॉब्लम है, मैं एक किनारे रहता अपना, वहाँ अगर कुछ बनाना भी होता तो मैं वहाँ किनारे बनाता, आपको क्या प्रॉब्लम, आप इधर रहिए, अगर मैं नहीं भी बनाता, चलिए मैं बनाता ही नहीं, मैं बाहर जाके खा लेता तब तो रूम दीजिए, लेकिन तब भी उनको रूम नहीं मिल रहा था, बेचारे बड़े दुखी थे। तो जब घूमते घूमते वो थक गए तो ब्रोकर ने कहा, अंसारी जी मैं आपसे एक बात कहूँ? अंसारी जी ने कहा, कहिए सर, क्या बात हुई? इन्होंने कहा, ऐसा है, आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए और आप लोग मिस्टर एंड मिसेज कुमार बन जाइए। अंसारी जी कहते हैं, बताइए अब एक रूम लेने के लिए मैं अपने पूरे धर्म को ही बदल दूं, धर्म ही चेंज कर दूं, ये इंडिया है, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ इस प्रकार का मतलब धर्म ही चेंज करना पड़े रूम लेने के लिए, और मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे। वो कहता है, चलिए तब देखते हैं। और कहीं काफ़ी खोजने के बाद हालांकि उन्हें एक रूम मिल जाता है, रूम में वो रहने भी लगते हैं, लेकिन उनको बहुत अफसोस होता है कि बताइए इंडिया में इतनी इक्वलिटी है लेकिन यहाँ कास्ट को लेके या फिर रिलीजन को लेकर इतना बड़ा इंडिफरेंस है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो ये दो कहानियाँ हैं, जिन दो कहानियों को आपको समझाया गया, इन्हीं कहानियों पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट हेडिंग जो है। ठीक, ये दो कहानियाँ पहले दी गई हैं, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिकॉग्नाइज डिग्निटी। क्लियर, आप समझते हैं डिग्निटी मीन्स व्हाट? तो रिकॉग्नाइज डिग्निटी, ये दिखाया गया है कि किस प्रकार इन दोनों का, यानी वाल्मीकि के, अगर मैं स्टोरी लूँ तो वाल्मीकि की स्टोरी बताई गई है कि किस प्रकार वाल्मीकि निचले तबके के थे लेकिन उन्हें इतना वर्क करना पड़ता था वहाँ पे स्कूल में, वो बाकी सारे स्टूडेंट काम करते थे और ये बेचारे वहाँ पे वर्क करते थे, काम मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करते थे, वो सब पढ़ते थे, ये सब झाड़ू पोछा करते थे। वाल्मीकि की स्टोरी ली गई है और अंसारी की स्टोरी ली गई है और कहा गया है कि
कास्ट और रिलीजन को लेकर इतना बड़ा विभेद किया गया कि इनकी डिग्निटी प्रभावित हो गई। इन्होंने कहा, बताइए इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ इस प्रकार की विभिन्नताएं हैं इंडिया में, वो भी जहाँ इंडिया वो इतना लार्जेस्ट सिटी है, हर एक धर्म को सम्मान है, हर एक इंसान को यहाँ सम्मान है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा इनइक्वलिटी है, तो कहीं ना कहीं उनके डिग्निटी को ये ज़्यादा प्रभावित कर लेता है। तो ये जो आपका हेडिंग है ना, इस हेडिंग में बस यही बातें ही की गई है, वही वाल्मीकि की स्टोरी यहाँ भी डिस्कस की गई है, वही अंसारी की स्टोरी यहाँ भी डिस्कस की गई है, और कहा जाता है कास्ट और रिलीजन में इनइक्वलिटी के कारण इनकी कहीं ना कहीं डिग्निटी प्रभावित होती है, और डिग्निटी प्रभावित अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे उस इंसान का डेवलपमेंट रुक जाता है, वो सोसाइटी के साथ अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर, एक हिचक हमेशा के लिए बैठ जाता, और वो उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा कंट्राडिक्ट है, सबसे बड़ी रुकावट होती है। क्लियर? तो ये जो आपका वर्ड है रिकॉग्नाइज डिग्निटी, इसमें यही डिस्कस किया गया है, उसी स्टोरी को एक बार फिर, तो मैं फिर से उसको डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना ही आपको बताता हूं। क्लियर? डिस्कस करता हूं आपका नेक्स्ट हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एक बात और, जब देश में इनइक्वलिटी बढ़ती है तो इंसान की डिग्निटी को बहुत बड़ा वायलेटेड होता है, यानी ठेस पहुंचता है। क्लियर? तो उस स्टोरी को दोबारा मैं लेता नहीं हूँ, मैं आगे टॉपिक ले चलता हूँ, आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। इंडियन डेमोक्रेसी में, सिंपल मैं कहूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इक्वलिटी को लेकर बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। आप संविधान अभी पढ़ते नहीं, कभी पढ़ाया जाएगा संविधान में, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक केवल और केवल इक्वलिटी की ही बात की गई है, सिमिलरिटी की ही बात की गई है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार, सिमिलरिटी एंड सिक्योरिटी इन फ्रंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। भैया, यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, एक मुकेश अंबानी हो, या साधारण गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर एक इंसान कानून के समक्ष समान है, किसी प्रकार की कोई इनइक्वलिटी किसी के साथ नहीं की जा सकती। सिमिलरिटी इन फ्रंट ऑफ रूल और रेगुलेशन, एवरी पर्सन, हर एक इंसान, लेडीज हो, जेंट्स हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कानून सभी के लिए बराबर है। क्लियर? किसी भी जुर्म के लिए जो मुकेश अंबानी को सजा मिलेगी, वही सजा एक गरीब को भी मिलेगी, संविधान का कानून, रूल और रेगुलेशन यही कहता है। क्लियर? आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और जेंडर, रिलीजन, ओरिजिन, बर्थ प्लेस, कास्ट एंड बर्थ के नाम पर विभेद नहीं कर सकते, यानी मैं हिंदू हूं मैं ये जॉब करूंगा ऐसा नहीं कह सकते, मैं मुसलमान हूं ये मेरे लिए जॉब है आप ऐसा नहीं कह सकते, यानी इन पांचों से लेकर इंडिया में किसी प्रकार का कोई इनइक्वलिटी नहीं। आप कहेंगे सर तब एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, जरूर दिया जाता है, ये एब्सेशन है, एक अपवाद है, समाज को यानी कुछ वर्ग को समाज के लायक बनाने के लिए उन्हें इस प्रकार की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। मान लिया जाए कोई वर्ग, मान लिया जाए कोई जाति पिछड़ी हुई है, वो समाज के लायक अभी नहीं बन पाई है, तो उसे समाज के लायक यानी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाने के लिए उसके लिए विशेष प्रावधान लाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम चलते हैं, एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी के लिए बहुत सारे, माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे स्कीम चलते हैं, तो स्कीम आर्टिकल क्या या संविधान का कंट्राडिक्ट नहीं है, उल्लंघन नहीं है, बल्कि उन्हें सोसाइटी में अन्य के लायक बनाने के लिए, अन्य के समान बनाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान है। जिस दिन आप और लोगों के समान बन जाएंगे उसी दिन आपका यह अधिकार छीन लिया जाएगा, खत्म बात, आर्टिकल 15 लागू हो जाएगा, धर्म, मूल वंश, जाति के और जन्मस्थान के नाम पर विभेद नहीं कर सकते। क्लियर? जो नेक्स्ट है वो क्या है,
अनटचबिलिटी, पहले क्या था बड़ा अनटचबिलिटी, आप जानते हैं अछूत जिसको आप बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जो पिछले कास्ट के होते हैं, निचले कास्ट के होते हैं, लोग उनके हाथ का पानी नहीं पीते, या वो जहाँ से गुजर जाएं वहाँ लोग जाते नहीं, उनको मंदिर वंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। आपको पता होना चाहिए अगर इस प्रकार का विभेद करते हुए आप पकड़े गए ना, तो आपके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट में पेनाल्टी और सजा दोनों है, सजा मीन्स कैद, जेल में डाल देना, दोनों है अगर आप अनटचबिलिटी को फॉलो करते हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ये चार ऐसे आर्टिकल हैं जो सिमिलरिटी यानी इक्वलिटी पर डिपेंड है, और आप किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकते, ना जेंडर के नाम पे, ना कास्ट के नाम पे, ना रिलीजन, ना बर्थ प्लेस, किसी पे नाम पे नहीं। क्लियर? नेक्स्ट जो एक और आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, वो कहता है इंसान कहीं भी घूम सकता है, किसी भी पार्क का यूज कर सकता है, रोड का यूज कर सकता है, मंदिर का यूज कर सकता है, आप धर्म के नाम पे या उसके कास्ट के नाम पर आप उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं कर सकते। यानी कोई कुआं बन गया, मान लिया जाए मैंने ही एक कुआं बना लिया अपने घर के बाहर, सार्वजनिक है, वो पब्लिश्ड है, आप वहाँ बैनर नहीं लगा सकते कि यहाँ पिछड़े लोग नहीं आ सकते, या यहाँ ब्राह्मण नहीं आ सकते, यहाँ मुसलमान पानी नहीं पी सकते, आप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही आपने वहाँ लगाया आप गैर कानूनी कार्य करते हुए पकड़े गए और ऑन द स्पॉट आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? यानी होटल हो गया, किसी प्रकार का कोई रेस्टोरेंट हो गया, किसी प्रकार की कोई दुकान हो गई, कोई मंदिर हो गया, आप उसमें किसी को भी प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। क्लियर? वहां हर एक इंसान प्रवेश कर सकता है, आप उनके साथ विभेद नहीं कर सकते। अगर आपने विभेद कर दिया तो आप सीधे संविधान का उल्लंघन करेंगे, संविधान को कंट्राडिक्ट करेंगे, और उसके लिए आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। क्लियर? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन डेमोक्रेसी में सिमिलरिटी यानी इक्वलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और इसका उल्लंघन किए जाने पर आपके लिए अच्छा खासा पनिशमेंट है। आपने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में ये पॉइंट आपने देख लिया। क्लियर? यही बातें की गई है संविधान में, सबसे ज्यादा इक्वलिटी पे बात की गई है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, अनटचबिलिटी आपने जान लिया, सब कुछ आपने जान लिया। आगे ले चलता हूं, कंटिन्यू। इतना ही नहीं, केवल संविधान में ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट खुद इंडिया में इक्वलिटी को लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। कानून के आधार पे भी आप देखते हैं, SC ST एक्ट बना है, बहुत सारे कानून बने हैं, महिलाओं के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, यानी इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन द्वारा काम कर रही है। इसके साथ साथ वह कई सारी ऐसे स्कीम भी लॉन्च कर रही है जिस स्कीम से अच्छा खासा इक्वलिटी को यानी समानता को बढ़ावा मिल सके, अनइक्वलिटी को खत्म किया जा सके। क्लियर? रूल और रेगुलेशन तो है ही। अगर आप प्रोग्राम की बात करते हैं तो सर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, मैं तो कोई नहीं जानता, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपका मिड डे मील। क्लियर? आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु ने इसे स्टार्ट किया था सबसे पहले, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ऐसा है तमिलनाडु जो मिड डे मील स्कीम चला रहा है, बहुत बेहतर स्कीम है इक्वलिटी सिमिलरिटी को लागू करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए। इस प्रकार का स्कीम हर एक स्टेट को लागू किया जाना चाहिए, और आप जानते हैं ये स्कीम आज पूरे देश में लागू हो चुका है। इसके जरिए कहाँ इक्वलिटी हो गया, इक्वलिटी हुआ हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, हर एक प्रकार के बच्चे चाहे वो अमीर के हो या गरीब के हो, उनको बराबर भोजन दिया जाता है, दोपहर का उन्हें भोजन दिया जाता है। बड़े फायदे हैं इसके। पहला क्या, पहले क्या था, बच्चे जाते थे तो लंच करने के बहाने वो क्या करते थे, स्कूल से भाग आते थे घर, और घर आके आराम से बैठ जाते थे, वो जाते ही नहीं थे स्कूल, आधा टाइम पढ़ते ही थे बस। इससे क्या फ़ायदा हो गया, बच्चे स्कूल में रहेंगे चाहे खाने के ही लालच में क्यों ना हो, इससे क्या होगा, कम से कम कुछ तो सीखेंगे, और कुछ सीखते कुछ कुछ करते करते यही कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
दूसरा पहले क्या था, आप जानते हैं गांव वगैरह में लेडीज़ भी वर्क करती हैं, सबकी माँ वगैरह बहन वगैरह वर्क करती हैं, उन्हें अपने बच्चे को भोजन देने के लिए क्या होता था, काम छोड़कर आना पड़ता था अपने बच्चे को भोजन खिलाने के लिए, अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। अब वो इससे फ्री हो गए, यानी अब उन्हें घर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे को स्कूल में ही भोजन मिल गया। इसीलिए वो आराम से अपने काम पर फोकस करती थी, और काम पर फोकस करने की वजह से अच्छा खासा उनका सैलरी भी बनता था, और जब उनकी अच्छी खासी सैलरी बनती थी तो परिवार का भरण पोषण अच्छे से होता था, और वही परिवार आगे जाके एक समृद्ध परिवार बन जाता। तो मिड डे मील से गवर्नमेंट ने केवल इक्वलिटी को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि मिड डे मील से उसने देश के इकोनॉमी को बढ़ावा देने की कोशिश की। क्लियर। पहले हर एक बच्चे को कम से कम एजुकेशन मिल जाता था, पहले क्या था, एजुकेशन एकदम मिलता ही नहीं था। अगर मैं 1947 से पहले बात करूं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो कहा जाता है इतना इनइक्वलिटी था जिसकी कोई सीमा नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कानून भी नहीं बनाया इक्वलिटी को लाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक भी कानून नहीं बना था कि मतलब कास्ट पे अटैक करूं या रिलीजन पे अटैक करके इक्वलिटी को बढ़ावा दूं, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई कानून ही नहीं बनाया। कानून तब बना जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से इक्वलिटी को बढ़ावा निश्चित तौर में मिला, और इक्वलिटी के बढ़ावे के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे भारत में जो पहले से अनइक्वलिटी चली आ रही है वो खत्म हो जाए। पनिशमेंट के जरिए लोगों में डर लाया गया, पेनाल्टी के जरिए लोगों में डर लाया गया कि कम से कम आप जो पहले से चले आ रहे हैं तो आदि बन जाते हैं ना। पहले क्या था कि जो कोई कास्ट पे नहीं लेगा, ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, पहले क्या था, जो पिछले लोग थे इनका काम था बड़े लोगों की सेवा करना। आप देखते थे कि जब बड़े लोग चेयर ओर पे बैठते थे तो वो बेचारे नीचे पैर के पास बैठते थे और पैर दबाने लगते थे, तो जो मनमाना था उनका काम, तो वो मनमाना काम आगे ना कर सके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पनिश करना शुरू कर दिया। पनिशमेंट एक डर है कि अब आप उस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते जो पहले करते चले आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ ब्रिटिश रूल नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट रूल है, और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नो इनइक्वलिटी इन एवरी पर्सन, ना कास्ट और ना ही रिलीजन को लेकर। तो वो एक प्रकार का डर पैदा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कार्य किया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसे रखा, और उसका बड़ा फायदा हुआ निश्चित तौर पे। विलेज की बात करूं, टाउन्स की बात करूं, या किसी भी शहर की बात करूं, अब वहां देखिए समाज का चाहे जो तबका हो, चाहे ऊपर का तबका हो या नीचा तबका हो, हर एक का डेवलपमेंट हो रहा है बिल्कुल ही वैसा जैसा इंडियन गवर्नमेंट ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाने से स्वप्न देखा था। क्लियर। यानी इंडिया में इक्वलिटी अब धीरे धीरे आ रही है, लेकिन मैं ये कहूँ कि इक्वलिटी पूरी तरह आ गई तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इंडिया कोई छोटा देश तो आप है नहीं, देश बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों आबादी है, अरबों आबादी है, कई करोड़ आबादी है, तो इतनी जल्दी सुधार नहीं हो पाएगा, लेकिन सुधार होना चाहिए धीरे धीरे ही सही। कम से कम जब सुधार हो जाएगा तो निश्चित तौर पे उस प्रकार के इक्वलिटी के लिए किया गया सुधार इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्लियर। तो आज आपका लेक्चर मैं यहीं रोकता हूँ। आज आपने सेकेंड स्टोरी देखा, और वो सेकेंड स्टोरी आपने जान लिया था मिस्टर अंसारी जी का था। आगे आपने डिग्निटी को समझा, रिकॉग्नाइज डिग्निटी कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी अगर अनइक्वलिटी आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैं आज चार आर्टिकल पढ़ाया, चारों आर्टिकल ध्यान में रखिए, कभी भी पूछ सकता है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलरिटी को अफेक्ट करेगा, एकदम यही चारों आर्टिकल लिख देना, सबसे बेस्ट आंसर 10/10। क्लियर। पूरा बेस्ट आंसर यही चारों लिख देना। फर्स्ट वन क्या है, सिमिलरिटी एंड सिक्योरिटी इन सिमिलरिटी इन फ्रंट ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन कानून के सामने सभी बराबर। दूसरा क्या है, रिलीजन ओरिजिन कास्ट जेंडर और बर्थ प्लेस को लेके कोई भी भेद नहीं। थर्ड वन क्या है, गवर्नमेंट वाला, वही कि सबको जॉब वगैरह। और फोर्थ वन क्या है, अनटचेबिलिटी। क्लियर। मतलब तीसरा वही है, 17 जो रोड रोड पे जा सकते हैं, पार्क वगैरह में जा सकते हैं, आप रोक नहीं लगा सकते, वही। तो ये चार आर्टिकल ध्यान में रखिए, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के स्कीम मिड डे मील को ध्यान में रखिए। जब ये चार पॉइंट फाइव पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेगा, आप इक्वलिटी को लेकर बहुत अच्छा आंसर दे पाएंगे।
क्लियर। तो आज आपका लेक्चर मैं यही रोकता हूँ, आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है, आपको तैयारी का भी समय मिल जाए अच्छा खासा। तो नेक्स्ट टर्म पे आपका सिविक्स में फिनिश करने की कोशिश करूँगा, बाकी आप क्वेश्चन कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। 3 हिस्ट्री, 1 ज्योग्राफी और 1 सिविक्स, ये आपके SST का पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने ख़त्म कर दिया। आज आपका मुझे लग रहा है सिविक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं लास्ट लेक्चर दूंगा सिविक्स का और शायद ये चैप्टर फिनिश हो जाए। जो होमवर्क्स आपके पास क्वेश्चन के रूप में सेंड किए जा रहे हैं, उन्हीं होमवर्क्स से आपकी क्वेश्चंस आएंगे, उससे अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसके पास क्वेश्चंस नहीं पहुंचा है वो मेरा वीडियो देख ले और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस मिलेगा वो आंसर बड़े आराम से टिकल कर लेगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स के कुछ अन्य पॉइंट के साथ और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।